प्यार की परिभाषा हमारी आज की कहानी का शीर्षक है। प्यार की परिभाषा। नीतू और अशोक दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों एक ही कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ते थे। नीतू को 3 साल पहले अशोक से प्यार हो गया था, मगर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वहीं अशोक भी दिल ही दिल में नीतू को बहुत पसंद करता था, मगर वह भी नहीं कह पाया। 12th एग्ज़ाम का आखिरी दिन था। सब स्कूल की पढ़ाई पूरी करके घर लौट रहे थे। तब नीतू से रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अशोक से फिर कभी नहीं कह पाई तो मैं अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाऊंगी। ऐसा सोचकर नीतू अशोक के पास गई और कहा कि अशोक, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो अशोक ने कहा कि तुमसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नीतू, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा प्यार स्वीकार कर लो। ये सुनकर नीतू की आंखों से आंसू बहने लगा। उसने कसकर अशोक को गले लगा लिया और कहा कि मैं भी तो यही कहना चाहती थी। उस दिन को 3 साल बीत गए, कभी उन दोनों में झगड़ा नहीं हुआ। फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद अशोक को एक कंपनी में केमिस्ट की नौकरी मिल गई, लेकिन ये कंपनी दूसरे शहर में था। तो उसने नीतू से वादा किया कि जल्द ही अपने माँ बाप से तुम्हारे बारे में बात करूँगा और तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। नीतू ने दुखी मन से हाँ कह दिया। अशोक के जाने के बाद कुछ महीनों तक दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते, खत लिखते, मगर कुछ दिनों बाद अचानक अशोक का फ़ोन आना बंद हो गया। यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी ऑफ रहता, चिट्ठियों का भी कोई जवाब नहीं मिलता। नीतू हड़बड़ा गई और उस कंपनी में गई जहाँ अशोक नौकरी करता था। वहाँ उसे पता चला कि अशोक ने 1 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया है। अब उसका कोई पता ठिकाना मालूम नहीं है। नीतू वापस आ गई। 1 साल बीत गया। धीरे धीरे नीतू की ज़िंदगी सामान्य होती गई। एक दिन किताबों की दुकान पर उसे एक लड़का मिला जिसका नाम निखिल था। उसने नीतू को शादी का प्रस्ताव दिया। नीतू ने शादी से मना किया तो निखिल ने कारण पूछा। नीतू ने सब सच बता दिया। इस पर निखिल ने कहा कि कब तक सपनों के सहारे जियोगी, शायद वो अब कभी ना आए। मैं तुम्हारे माता पिता से बात करना चाहता हूँ। और नीतू के पापा को निखिल पसंद आ गया क्योंकि वो कॉलेज में प्रोफेसर था। दोनों की शादी तय हो गई। नीतू ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अब इंतज़ार करने का भी कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन निखिल ने नीतू से कहा कि मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। नीतू निखिल के दोस्त से मिलने के लिए राजी हो गई। निखिल ने नीतू को अशोक से मिलाया। अशोक कुर्सी पर ही बैठा था, नीतू को देखकर भी नहीं उठा। नीतू को अशोक बेवफा लगने लगा, मगर बातों ही बातों में निखिल ने नीतू को बताया कि अशोक किसी लड़की से बेहद प्यार करता था, उससे शादी करने वाला था, मगर उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें अशोक के पैर को बहुत चोट लगी थी। डॉक्टर को उसका एक पैर काटना पड़ा। निखिल उन दोनों को अकेला छोड़कर काफ़ी बनाने चला गया। तभी नीतू ने अशोक से कहा कि क्यों अशोक, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या? तुम्हारी इस हालत के बाद मैं तुम्हें छोड़ देती? तो अशोक ने कहा कि नहीं नीतू, प्यार का मतलब केवल पाना नहीं होता, प्यार का मतलब अपने साथी को हर खुशी देना होता है जो मैं नहीं दे सकता। निखिल से शादी कर लो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। इस पर नीतू ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करूँगी। अगर तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझते तो मैं पूरा जीवन तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये सुनकर अशोक ने नीतू को गले लगा लिया। तब तक निखिल भी काफ़ी लेकर आ गया था। उसने सारी बातें सुन ली और धूमधाम से उन दोनों की शादी कराई।